निगाहें टिका कर बैठी हुई थी। देश की जनता अपना फैसला तो ले चुकी थी, मगर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच जुबानी जंग में कहीं ना कहीं आरोप और प्रति आरोप का ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे में यहाँ पर लोकसभा चुनावों के बीच आज हम यहाँ पर अहम सीट मुंबई की नॉर्थ की बात कर रहे हैं, जहां पर उर्मिला कांग्रेस की प्रत्याशी है और उनके अपोजिट लड़ रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शेट्टी। जी हाँ, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से वोटों की गिनती हो रही है, यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शेट्टी जो है उर्मिला को पछाड़ते हुए देखे जा रहे हैं। मुंबई की नॉर्थ सीट से उर्मिला हार रही है। हालांकि अगर हम उर्मिला के फिल्मी करियर की बात करें तो उर्मिला ने तमाम यहाँ पर सुपरहिट फिल्में दी हैं। जी हाँ, तमाम उन्होंने बॉलीवुड के नाम शानदार फिल्में की, मगर जहां बात राजनीति की आ जाती है, जहां बात समस्या की आती है कि जनता की समस्या का कौन करेगा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में देखा जा रहा है साफ तौर पर कि मुंबई की नॉर्थ जनता जो है वो चाहती है कि बीजेपी के गोपाल शेट्टी ही यहां से जीत को हासिल करे। ऐसे में हम आपको बता दें कि 2014 में किस तरह से गोपाल शेट्टी की ही जीत हुई थी। कहा यह जा रहा है कि गोपाल शेट्टी ने 2014 में 6,64,004 वोटों से उनको जीत हुई थी, इतने उन्होंने वोट पाए थे। यहां पर कहीं ना कहीं उर्मिला और गोपाल शेट्टी की टक्कर देखी जा रही है और ये टक्कर काफी ज्यादा तगड़ी तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उर्मिला की बात करें तो उर्मिला एक अभिनेता है और वो ऑलरेडी देश की जनता के लिए कोई नया चेहरा नहीं थी, मगर ऐसे में यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला की हार देखी जा रही है। हम आप तक लगातार सारी अपडेट पहुंचा रहे हैं सुबह 8 बजे से कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। ऐसे ही आप नेक्स्ट 9 न्यूज पर अपनी नजरों को बनाए रखें कि आखिरकार जब जैसे ही पूरे पुख्ता नतीजे सामने आएंगे, सबसे पहले हम आपको नेक्स्ट 9 न्यूज में बताएंगे।